तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स के अंडर में एनालिटिक्स की। बेसिकली आप अपने ईमेल कैंपेन जो आपने भेजी है, जो ईमेल भेजा है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे। ओके तो हमने ये एक डेमो अकाउंट लिया है जिसमें ऑलरेडी कुछ मेल्स भेजी जा चुकी हैं। अगर आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पास्ट में आपने कैंपेन भेजी हुई है आपको वो कैंपेन्स दिखाई देंगी। राइट, लेट्स सी, ये आपको दिखाई देंगे इस तरह से। अब देखिए ये दो कैंपेन हमने भेजी हैं और इन दोनों कैंपेन्स में फर्क अगर आप देखें तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। जो हम एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, इन दोनों की रिपोर्ट्स को हम खोल के देखते हैं। ये खुल गई है तो 1745 रेसिपिएंट हैं इसमें और इसमें 1744, तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक का फर्क है। ओके, ये मेल सैटरडे को भेजी गई है और ये वाली मेल मंडे को भेजी गई है। सक्सेसफुल डिलीवरी इस वाली मेल में 99% है और इस वाली मेल में भी 99% है। 1727, 1728 तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप दोनों कैंपेन्स में फर्क देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, तो इस कैंपेन में जो टोटल है 220 लोगों ने ओपन किया है और इस कैंपेन को अगर आप देखेंगे तो 247 लोगों ने ओपन किया है और यहां पर सिर्फ 4 लोगों ने क्लिक किया है, वेयरएज इस ईमेल में 9 लोगों ने क्लिक किया है। ओके, और अगर हम दोनों ईमेल को देखेंगे तो आपको और क्लियर पता चलेगा। पहले हम ईमेल्स को देखते हैं दोनों को, जो उनको कैंपेन गई है। देखिए ये ईमेल और ये ईमेल, बिल्कुल दोनों ईमेल सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों ईमेल में, दोनों सेम ईमेल है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है, अगर आप इस देख रहे हैं, तो ये एक ईमेल सैटरडे को गई है जहां पर कम ओपन और कम क्लिक हैं और ये वाली मेल मंडे को गई है जहां पर ज्यादा ओपन और ज्यादा क्लिक हैं। यहां पर आप देखें तो सैटरडे सुबह 11:15, यहां पर मंडे सुबह 11:15, सिर्फ इतना फर्क है। राइट, जो कि एक बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जनरली, क्योंकि लोग मंडे को अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और सैटरडे को वीकेंड पे घर पर होते हैं और ऑफिस में उनके पास अच्छा वाईफाई नेट कनेक्शन होता है, अपने कंप्यूटर बैठे होते हैं और अपना मेल चेक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। राइट, यहां पर आपको ये डिफरेंस तो पता चलेगा, साथ के साथ अगर आप किसी भी कैंपेन की रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कितने डिलीवर हुई हैं, कितने टोटल मेल ओपन हुई हैं, लास्ट कब ओपन की गई थी, किसी ने कोई फॉरवर्ड तो नहीं की, किसी ने कोई रिपोर्ट तो नहीं की, लास्ट कब क्लिक हुई थी, अगर कोई लिंक था उसमें टोटल कितने क्लिक हुए हैं, एंड क्लिक पर यूनिक ओपन का मतलब ये है कितने यूनिक क्लिक है, कुछ लोग दो बार भी क्लिक करते हैं। राइट, उसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि टॉप लिंक्स कौन से क्लिक हुए हैं, तो जो भी लिंक आपने लगाया होगा वो यहाँ हुआ है क्लिक। सब्सक्राइबर विद मोस्ट ओपन्स, तो किन लोगों ने आपकी ईमेल को सबसे ज्यादा खोला है। राइट, तो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा खोला है, इट्स अ सिंपल फैक्टर कि जो आपकी मेल को सबसे ज्यादा खोलेगा उसको व्यू मोर कर देते हैं। और यहां पर भी साथ के साथ हम देखेंगे इसको व्यू मोर कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर मेल किसी ने खोली है, ओपन्स पे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इन लोगों ने खोली है तीन तीन बार, ये चार लोग ऐसे हैं। राइट, और इस केस में देखते हैं यहां वाली मेल के केस में, तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने चार तीन तीन बार मेल खोली है। तो आपको पता चल सकता है यहाँ से कि भाई ये पर्सन जो है हमारी मेल में इंटरेस्टेड है। राइट, तो आप इनको रीटारगेट कर सकते हैं, दोबारा मेल भेज सकते हैं, किसके थ्रू, ऑटोमेट के थ्रू, सब्सक्राइबर एक्टिविटी। कैसे, आपने ऑटोमेट गए, ईमेल गए और यहाँ पर आपने सब्सक्राइबर एक्टिविटी के हिसाब से इसको आप चूज कर सकते हैं। राइट, कस्टम में आप जाएंगे और कस्टम में जाकर आप चूज कर सकते हैं। तो आप ऑटोमेटेड तो कर ही सकते हैं यहां जाकर माय कस्टम वर्कफ्लो में,
ऑटोमेटेड के अलावा भी आप उनको वापस दोबारा दूसरी मेल भेज सकते हैं, तीसरी मेल भेज सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जिन्होंने 3 बार खोला है ये मेरे ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, जिन्होंने 2 बार खोला है ये उनसे थोड़ा कम, या जिन्होंने सिर्फ 1 बार खोली है वो उतने अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं है, और उस हिसाब से आप फर्दर अपनी ईमेल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन ये एनालिटिक्स बड़े काम की चीज है, इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी ईमेल है जिनकी सब्जेक्ट लाइन हिट है। जैसे यहाँ पर भी हमने मेल भेजी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9% ओपन रेट है अगर आप देखते हैं, और जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ 14.5% के आसपास ओपन रेट है, और यहाँ पर 12.5% के आसपास। तो इस ईमेल में कुछ ना कुछ अच्छा है जो हमने यहाँ पर बाकी दोनों ईमेल में यूटिलाइज नहीं किया है। जैसे कि ये मंडे शाम को 5:15 बजे भेजी गई है जब लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं, राइट। और ये दोपहर में भेजी गई है मंडे को, अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 16% ओपन रेट आया है। तो आप देख पाएंगे कि जितना यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आ रहा है, कई बार सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, कई बार ईमेल कंटेंट का डिफरेंस आएगा, लेकिन इसके हिसाब से आपका जो ओपन रेट है वो काफी वेरी करता है, और ये एनालिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फर्दर स्ट्रेटजी इसी से डिजाइन करेंगे। ओके।